फाइन गाइस, तो देखिए आराम से दिखाई, अब स्क्रीन अब शेयर करता हूँ, दिखाई देगा आपको। टुन टुन ऑडियो ऑफ कीजिए ना भैया। टुन टुन देखिए तो सर इनका रियल नेम टुंटू नहीं है। हाँ टुंटू है कुछ टुंटू नाम है इनका, कई ऐसे रियल नाम टुंटू है। कई छोटे छोटे नाम बड़े फेमस होते हैं, टुंटून, मुन्ना, टीकू, ऐसे नाम होते हैं। ओके तो बताइए, तो वन ऑफ दीज बॉयज अगर बोलना है तो हम क्या लगाने वाले हैं? मेरे भाई का नाम मुन्ना, मुन्ना है ना। अगर मैं बोल दूं कि वन ऑफ और अगर वो लड़के दूर है तो दीज या दोस? दोस, वन ऑफ दोस बॉयज। अब इज या आर? इस होगा फिर देखिए, हवन की बात हो रही है ना। समझिए समझिए समझिए, ये बहुत सारे लड़के और हम इनमें से बस एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। तो उस हमें इस हमें बॉयज दिखने में लग रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? एक की बात कर रहे हैं, तो हम इज लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तो इस वन ऑफ के बगल में दीज दोज तो हो गया। अगर ये लड़के मेरे कुछ लगते हैं तो मैं दीज हटा करके माई लगा दूंगा, यू नो, याद रखिए। दीज दोज में तो हो गया कि इन लड़कों में से एक, लेकिन वो लड़के अगर मेरे कुछ लगते हैं तो वन ऑफ माई, और मेरे क्या लगते हैं वो दिखाना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त हैं, दुश्मन है, मालूम रिश्तेदार है, तो वन ऑफ माई रिलेटिव्स। तो अब बताइए इज यार एक की बात हो रही है ना, वन ऑफ माय रिलेटिव उनमें से एक। तो आप खुद को ही समझा रही है कि हम लोगों को समझा रही है, बताइए ना सर। मैं क्योंकि ऑफ कोर्स इज आएगा, वन ऑफ माय रिलेटिव्स इज, यस सर इज। हमारा मन करेगा कि रिलेटिव्स है, आर लगाओ, मन करेगा, मन की नहीं सुननी है, लगाना नहीं है, मन धोखा दे रहा है, मन हमें बहका रहा है, ये है, ये है। ओके ठीक है, अगर वो व्यक्ति मान लो कि सामने वाले का कुछ लगता है, मैं कह रहा हूँ यार तुम्हारा एक दोस्त यार, तो वन ऑफ योर लगाना पड़ेगा, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। धनश्री इज यार, धनश्री इज आएगा सर, इज वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज। अच्छा, और कई लोग तो गलती ऐसे भी करते हैं, वन ऑफ योर फ्रेंड्स भी नहीं बोलते डर के मारे, वन ऑफ योर फ्रेंड बोल के चुप हो जाते, फ्रेंड बोल के इज बोलते कि ये फ्रेंड है, इज लग गया, अच्छा है। लेकिन ये भी गलत है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो भी गलत है, क्योंकि आपका एक ही दोस्त है, उस दोस्त में से एक को, एक में से एक कैसे उठा लोगे? तो वन ऑफ योर फ्रेंड गलत है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स होना चाहिए। ओके अच्छा, मान लीजिए कि यहां पर एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल हियर, प्यारी सी, खूबसूरत सी, अच्छी सी, ओके और इसके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे इसके फ्रेंड्स है, राम, सोहन, सीता, गीता, मोहन, बहुत। तो इसके दोस्तों में से एक मेरे दोस्त नहीं है, इसके दोस्त है, ये लड़की है, तो इसके दोस्तों में से एक इंटेलिजेंट, तो मैं तो वन ऑफ बोलूंगा, वन ऑफ, वन ऑफ। अब मुझे हर लगाना पड़ेगा, हर फ्रेंड, वन ऑफ हर फ्रेंड्स। अब बताइए इज या आर? इज लगेगा, वन ऑफ हर फ्रेंड्स इज लगेगा, इज लगेगा, इज लगेगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको, आज तो लड़का है। अच्छा, अगर यहाँ पर सिर्फ एक बॉय होता, एक लड़का होता, और मैं बोलता यार इसके दोस्तों में से अब one of his, तो one his of friends, his, his friends, his friends, ये दोनों खुद को मिला के कह रहे यार हमारा एक दोस्त, हमारे दोस्तों में से एक, तो क्या हो जाएगा? इनके दोस्तों में से एक, इनके, ये दो लोग हैं, इनके दोस्तों में से एक,
हमें कैसे one of their friends is यार is okay fine. तो इससे ये साबित होता है कि इस one of के बगल में हम these those के साथ my your her his our their भी लगा सकते हैं one of के बगल में. तो इसको आराम से समझते हैं. तो अब धनश्री आप ट्रांसलेट करो कि मेरे दोस्तों में से एक रिच है, अमीर है, बताइए. One of my friends is rich. ये नहीं कि आपने क्लास में इज ऐसे बोला और घर जाके बोलो पता नहीं यार मैं तो ऐसे बोलूंगी one of my friend is rich. तो friend नहीं बोलना है, friends बोलना है, ठीक है? एकदम on record YouTube पे बात बता रहा हूँ, फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि ये गलती नहीं करनी है. दिल को ये अच्छा लगेगा, ठीक है? Yes sir. दिल को समझाना है, उसको ये यकीन दिलाना है. Anyways, तो अब अगर हम किसी को कह रहे, शिकायत कर रहे, यार तुम्हारे ना, तुम्हारे एक रिश्तेदार है ना यार, वो बड़ा पकाऊ है, तो मैं कैसे बोलूँगा? One of your boring. ऐसे करके बात करेंगे. ठीक है. अब इसी वन ऑफ में हम क्या करेंगे, जैसे किसी का नाम, कोई भी नाम आता है, तो इस नाम में हमें ऊपर एक ऐसे करके एस लगाना है. इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस. ठीक है. और इसके बाद प्लूरल लगाइए, प्लूरल नाउन लगाइए. आपने बोला वन ऑफ और आपने किसी का नाम लिया, जैसे आपने नाम लिया राज, तो अब राज के दोस्तों में से एक, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा वन ऑफ राज फ्रेंड्स, यू नो, तो इज यार इज आपने बोला यार मोहन के रिश्तेदारों में से एक वन ऑफ मोहन मेरे पति के दोस्तों में से एक बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये स्टेट ऑफ बीइंग का मजा लोगों ने लिया नहीं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, बहुत बेहतरीन. तो वन ऑफ माई हस्बैंड्स फ्रेंड्स. ओके ठीक है. चल अब इन चीजों में मान लीजिए हम एक की बात ना करके टू की बात करें, टू ऑफ लगा दे यार, तुम्हारे दो दोस्त पागल है, टू ऑफ योर फ्रेंड्स तुम्हारे तीन दोस्त अच्छे हैं, थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स आर गुड. तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हारे अधिकतर फ्रेंड मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स तुम्हारे फ्रेंड्स में से मेजॉरिटी ऑफ योर फ्रेंड्स कितना प्यारा है, इसको बोलिए सब आपके सब्जेक्ट. ओके अब अगर देख कहीं तो शोर है बॉस. हे टुनटुन कहला परेशान कर रहे, करने लीजिए बहन. हे टुनटुन आइए गाइस. ओके ऑडियो खराब है तो बंद रखिए. जो आपका दिस दोस्त था इसके साथ आप प्लूरल नाउन लगाते थे, अगर आपको पूरा नहीं दिखाना है तो इसके बगल, इसके जगह पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? देम. जैसे आप सीधा कह सकते हो वन ऑफ देम, इसका मतलब हो गया उनमें से एक. देम
देम में कुछ पता नहीं चल रहा है, ये रिश्तेदार है कि दोस्त है कि कुछ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर तीन चार लोग खड़े हैं, पहले तो हम कहते थे ना इन लड़कों में से एक, ऐसा पूरा बोलते थे ना, अब हमें सीधा बोलना है यार इनमें से एक पागल है, सीधा, ना वो लड़के ना लड़कियां, कुछ मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं क्या बोलूंगा, वन ऑफ देम, ओके। तो ऐसे भी हम कहते हैं उनमें से एक मेरा दोस्त है, वन ऑफ देम इज ओके, उनमें से कुछ पागल है, फ्यू ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ, पढ़े लिखे एजुकेटेड, ओके। अगर सम लगाना हो, सम ऑफ देम, देम आर एजुकेटेड, आर एजुकेटेड, ओके। अब अगर ध्यान दीजिएगा, ये आप हैं, क्योंकि रैपिड फायर में सब पूछूंगा मैं, सब प्रैक्टिस होगी, ये आप हैं, आपके बगल में आपकी दोस्त है, ठीक है, एक ही दोस्त यार आज आ रहा घर पे, तो कैसा बनाएंगे, एक ही दोस्त आ रहा है, तो माय फ्रेंड इज कमिंग, एक ही है, तो उसका नाम ले लीजिए, वन आप बोले, वन माय फ्रेंड नहीं बोल सकते ना, यू नो माय फ्रेंड इज कमिंग, बस ये देखिए, ये इतनी सारी लड़कियां हो गई। अब आप कह रहे हो, आप में से मान लो इन्होंने कहा कि गाइस आपको पता है हम में से एक शादीशुदा है, हम में से एक, इन्होंने इशारा किया, हाँ, हम में से एक शादीशुदा है, पता नहीं कौन है पर हम में से एक है, तो हम वन ऑफ के साथ अस, वन ऑफ अस, तो ऐसे तो वन ऑफ देम भी हो गया, वन ऑफ अस भी हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सामने इतनी सारी लड़कियां हैं या लड़के, अब मैं कह रहा हूँ गाइज आप में से एक सिलेक्टेड है, आप में से एक सिलेक्टेड है, तो ये मत सोचना है कि सर जी यू के साथ तो आर लगता है, यू नो दिमाग कहेगा, दिल कहेगा, दिल कहेगा कि यू के साथ आर लगाओ, दिल की नहीं सुननी है, वन ऑफ यू, वन ऑफ यू का मतलब है कि यू, यू मतलब एक व्यक्ति भी होता है, यू मतलब हम सबको भी इशारा कर सकते हैं ना, वन ऑफ यू मतलब तुम बहुत हो और तुम में से कोई एक सिलेक्टेड है, तो यू के साथ देखो यहाँ इज लगा हुआ है, तो ये यू के बगल में दिख रहा है, बट ये आया किसके लिए है, इस वन के लिए आया, अगर कोई चीज नजदीक हो और इकलौता हो, सिंगुलर हो, और हमें इशारा करना हो तो हम दिस लगाते हैं, कोई चीज दूर हो, आप लोग कुछ लिखना मत, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अपना हाथ पैर मत चलाइए, दूर हो और सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, तो दैट हम लगाते हैं, और इनके साथ ऑफ कोर्स हम इज लगाने वाले हैं क्योंकि बात एक ही कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर हैं और आपके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हो, आपको बोलना है इशारा करके नदी में, यार ये लड़की बहुत सुंदर है, तो आप आराम से दिस गर्ल क्या बोलेंगे, लेकिन अगर वही लड़की दूर चली जाए, यहाँ चली जाए, that girl is very beautiful, that girl is very beautiful, इस नजर से that girl that girl is very beautiful, ठीक है जी, ओके। अब कोई बता सकता है कि इस लड़की का एक दोस्त,
इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? हम कह रहे कि इस लड़की, लड़की तो एक ही है और नजदीक है तो ऑफकोर्स दिस है, इशारा तो दिस से करेंगे. और इस लड़की के इन दोस्तों में से कोई एक है. One of this girl's friends. One of this. One of this girl. यहाँ हमें ऐसे apostrophe लगाना पड़ेगा, you know? Girls. One of this girl's girls friends. Friends. अब बताइए, is यार? Is. One of this girl's friends. बंदा तो हर जगह पागल होगा कि यार girl's friends हो गया, अरे यार लगाओ. But नहीं. इसकी बात हो रही है. Easy लगेगा. Easy लगेगा. इसलिए अगर ये लड़की दूर चली जाए, उस लड़की के दोस्तों में से वन ऑफ दैट गर्ल्स फ्रेंड्स इज, हो गया ये ठीक है. तो बताइए पहले इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए. आइए धनश्री. धन मतलब लक्ष्मी है, धनश्री ना ऐसा आपका नाम है? हाँ. धन धनश्री. तो योर सेंटेंस इज धनश्री कि मेरा एक दोस्त इंटेलिजेंट है. फास्ट. वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट. ओके. मेरी एक बहन पार्क में है. वन ऑफ माय सिस्टर्स इज इन द पार्क. ओके फाइन. तुम्हारा एक दोस्त शराबी. वन ऑफ योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज शराबी को. One of your friends is शराबी को क्या कहते हैं? Alcoholic. Drunk. तो उस वक्त अगर वो पीने की अवस्था में है तो, अगर वो शराबी तो drunkard कह सकते. Curd, drunkard. Yes, drunkard. Drunkard. Fine. इन गांव वालों में से एक मेरे पिताजी हैं. One of Dear village. These villagers. One of these villagers. Villagers people. One of these villagers is my father's friend. उन महिलाओं में से एक मेरी sister है. One of those ladies is my sister. Okay. इन मोबाइल्स में से एक मेरा मोबाइल है. One of these mobiles is my mobile. Is my mobile. Okay. Fine. तुम में से कुछ मेरे दोस्त हैं. तुम में से कुछ. Few of us are my friends. नहीं, हम में से नहीं, तुम में से. तुम में से. Few of you. हाँ जी. उनमें से एक मेरा भाई है. उनमें से one of them is my brother. उनमें से दो मेरे दोस्त हैं. two of them are my friends. Fine. मेरा बेटा कॉलेज में है. My son is in the college. मेरी बेटी 12 साल की है. My daughter is 12 years old. Okay, fine. मेरा मोबाइल एक्सपेंसिव है. My mobile is expensive. Okay. मेरी दुल्हन सुंदर है.
My bride is beautiful. My wife is beautiful. Is very beautiful. टुनटुन गांव में है. टुनटुन is in the village. टुनटुन का गमछा प्यारा है. गमछा मतलब सर देखिए. ओके, तो हमने गाइस जो अब तक देखा, हमने ये देखा, थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होगा? नो एक्शन. नो एक्शन. नो एक्शन. नो एक्शन. ठीक है. सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है. अच्छा, कई बार सब्जेक्ट हमें दिखता प्लूरल है मगर होता सिंगुलर है, इसका ख्याल रखना. जैसे हमें इसी को देख ली कि अगर देयर सन, तो हमें देयर देखने में प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन सब्जेक्ट देयर नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? सन है. जैसे कि आवर डॉटर, तो देखने में आवर प्लूरल लग रहा है, बट हमें डॉटर की बात कर रहे हैं, तो देखने में प्लूरल लगता है. जैसे कि वही था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखने में प्लूरल लग रहा है बट है सिंगुलर. तो ऐसे भी समझना है. उसके बाद आपने देखा कि सब्जेक्ट के बगल में, सब्जेक्ट के बगल में आपको एम इज आर में से कुछ एक लगाना है, ये फैसला करना है कि इसमें क्या लगेगा. और इसके बगल में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या क्या होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या क्या होते हैं. बताइए, मंदिर के सामने क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ टेंपल. द टेंपल. तुम्हारे घर के पीछे, छोटी छोटी गलतियां जो बचपन से कर रहे हैं, कुछ लोग बिहाइंड के साथ ऑफ लगाते हैं, लगाते हैं ना, ये गलत है. क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे घर के पीछे, वो के चक्कर में परेशान है, उनको लगता है के मतलब ऑफ, दिमाग में छपा हुआ है ना बचपन से. बिहाइंड के बगल में कुछ नहीं लगता, ये गलत है. बिहाइंड के साथ सीधा, बिहाइंड योर हाउस. ऑफ लगाना है तो इन फ्रंट के साथ लगा, इन फ्रंट ऑफ. अच्छा, राम और सोहन के बीच में, बिटवीन राम एंड सोहन. राम सोहन. ए टुनटुन, अरे कहला इसे कर रहा है, बंद कीजिए. इतना ना काम कचकच हुआ है, रिकॉर्ड ना हो जाता है भाई, खराब आएगा साउंड. सर टुनटुन तो म्यूट ही है. हम ना किए म्यूट, बोल. हम म्यूट करते हैं, आई फिर से चालू कर देते हैं. टुनटुन नन्नू कीजिए, ऐसा गलत है. ओके फाइन, अगर मुझे बोलना है कि तुम्हारे बगल में, बिसाइड्स, तो बिसाइड, बिसाइड, ध्यान दीजिएगा, गलती से भी बिसाइड्स नहीं बोलना है. Okay, besides का मतलब हो जाता है अलावा. अलावा के अलावा. Yes sir. मैं बोलूँ कि तुम्हारे अलावा, besides you. तो besides you का मतलब हो गया तुम्हारे अलावा. अलावा. यानी कि तुम्हारे अलावा कोई और भी है, you know? तुम तो हो ही, तुम्हारे अलावा कोई और भी है. और beside you का मतलब हो गया तुम्हारे बगल में. तो देख लीजिए एक एस से कितना फर्क पड़ गया, इसका मतलब है तुम्हारे बगल. तो इसका ख्याल रखना है, एस लगाओगे तो अलावा हो जाएगा. ओके जी. कमरे में, इन द रूम, छत पर, ऑन द रूम. ओके. कई बार होता है कि जज के सामने,
जज के सम्मुख, उसमें बिफोर लगता है, बिफोर द जज, कोर्ट के सामने, बिफोर द कोर्ट। तो बिफोर का कोर्ट मतलब के सामने में बिफोर द कोर्ट क्यों नहीं आता है, क्यों आएगा? इन फ्रंट का यूज नहीं कर सकते हैं। हां, यहां इन फ्रंट ऑफ नहीं लगता, कारण ये है। देखिए तो सर, किस किस जगह पे ऐसा होता है, मतलब बिफोर द कोर्ट, बिफोर द जज? जी जी जी, आइए साबित करते हैं इसको। ओके जी, अगर ये एक लड़की है, मेरे हर वीडियो में एक लड़की जरूर होती है। ओके सर, ये पेंट से आप ड्रॉ करते हैं? नहीं, ये एक्सेल में करते हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, ये वर्ड पेज है, ये जो सफेद सफेद आप देख रहे हैं, ये वर्ड है, और ये जो ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन टूल बार तो सर एक्सेल का खुला हुआ है। नहीं, ये जो टूल बार है, ये जो है, ये एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का है, और ये पूरा ये वर्ड है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल इसी का भाई है। ओके, तो देखिए ये लड़की है, और ये लड़की एकदम मेरे सामने, ये मेरे सामने है। कोई भी चीज आपके सामने है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, इन फ्रंट लगाते हैं ना, इन फ्रंट ऑफ, ठीक। लेकिन जब हम किसी चीज को किसी के सामने पेश करते हैं, मुजरिम को कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट के सामने यानी कि जज के सामने, तो वो इन फ्रंट ऑफ नहीं है, वो उसके सम्मुख, उसके लिए यूज होता है बिफोर। जैसे जैसे कि सर, मैंने आपके सामने सारे सबूत रख दिए, तो सामने ऐसा थोड़ी ऐसे रख दिए कि इशारा में देख लो, ऐसा नहीं, सामने रख दिए मतलब आपके टेबल पर है, सर देख लीजिए, ये कहने का होता है ना, हिंदी सुनने में सामने आ रहा है, अंग्रेजी में बिफोर इसलिए है, आपके सामने मैंने सबूत रख दिए मतलब आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिए। लेकिन अगर आपके सामने एक फाइल है, देखो देखो उधर एक फाइल, अगर हम इशारा कर रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने है, किधर किधर किधर, सामने सामने, अच्छा इन फ्रंट ऑफ, ये इन फ्रंट ऑफ। लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा मेरे सामने सब कुछ रखो, सारे सबूत मेरे सामने रखो, तो मेरे सामने रखो मतलब मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो, पुट एवरीथिंग बिफोर मी। ये हल्का सा फर्क है, धीरे धीरे आएगा समझ में, आएगा आएगा धीरे धीरे। फिलहाल यूं समझ लीजिए कि आपको कोर्ट जज के सामने मुजरिम को पेश करना है, जज के सामने रखना है, तो आप बिफोर लगाएंगे, बिफोर द कोर्ट। फिलहाल ये समझिए, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, बट ऐसा होता है, सुना कभी बिफोर लगता है, कोई तो सुना होगा, नहीं सुना किसी ने, आपके सम्मुख, आप है, और आपके ये नहीं कि इशारों में सम्मुख, इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है एकदम, ये आपके सीध में रखी हुई है, तो इन फ्रंट ऑफ है। जैसे कि सर ए सेंटेंस बोलेंगे, कीप ऑल द फाइल्स बिफोर मी, अगर बिफोर मी का मतलब है कि इशारों में नहीं, मेरे सामने प्रस्तुत अगर करना है, सारे रख दो मेरे सामने का मतलब ये नहीं कि सामने का मतलब एकदम सीध में ही रख दो कि इन फ्रंट ऑफ वाली फीलिंग है, सामने रख दो कि मेरे टेबल पर रख दो भाई, मेरे को हैंड ओवर कर दो, और जैसे इसका मतलब आगे के लिए भी हो गया ना, कि मेरे सामने मेरे आगे रखो। हाँ, तो कैसे मैं समझाऊं सर, यहाँ पे हैंडेड ओवर भी तो आ सकता था, नहीं? हाँ, हैंड ओवर का मतलब होता है कि भाई उसको एकदम समर्पित कर दो, सब दे दो उसको, हाथ में दे दो, लेकिन एक कैसे बोलता है कि इस कोर्ट के सामने सर मैंने सारे सबूत रख दिए, तो ऐसा थोड़ी हुआ, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो इंसान कोर्ट के कोर्ट से बाहर निकलेगा, अब बोलेगा देखो तुम्हारे सामने चाय वाला है, ये हो गया इन फ्रंट ऑफ, मतलब बोलने के लिए है, टाइप का इंटरफा बोलने के लिए है। तो बताइए, अगर इन फ्रंट ऑफ मैं कोर्ट बोलता रहूंगा तो हर जज कोर्ट से बाहर आ जाएगा, बोलेगा अच्छा कोर्ट के सामने कौन है भाई, ये आओ काके का ढाबा, तो ऐसे होगा ना, ऑल द क्रिमिनल्स बिफोर द कोर्ट। हां, बिफोर द कोर्ट का मतलब है कि फिजिकली कहीं पर कोर्ट के सामने नहीं होगा सर, कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि कोर्ट के सामने वो एक तरीके से दिख रहे हैं, वो मतलब कैसे समझाऊं उनको, तो ये पेश किया गया। हाँ, हिंदी सही, पेश किया गया, पेश सर आ गया, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस सूट करेगा सर यहाँ पे, ऑल द क्रिमिनल्स बिफोर द कोर्ट। हाँ, ऑल द क्रिमिनल्स आर बिफोर द कोर्ट। हाँ, तो यहाँ बिफोर द कोर्ट उनके सामने वो, ओके सर,
पेश है, बिल्कुल पेश कर सकती है। ओके फाइन गाइस, तो लेट भी हो रहा है, 10 से 11 का बजता नहीं है, ज्यादा हो गया इसलिए जब मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ फिर टाइम इधर उधर हो जाता है। हम भी इसलिए नहीं बोला, चलता है तो अच्छा रहता है। बस सब कुछ समझ आया सर, अच्छा पढ़ाया, सब बहुत दिल से पढ़ाया, मजा आ गया, सब कुछ समझ सर, बहुत सारा कंफ्यूजन हटा, अच्छा लगता है ऐसे पढ़ने में और क्लास। यस गाइस, और आपका तो कोर्स सर वालों को गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं सर, क्या पढ़ाने का सर, बहुत देखा है सब ऊपर से जाता है सर, ये सीधा समझ में ही आ जाता है, आप एग्जांपल देते ना जी। सर ऐसे कैसे बोलेंगे, सर ऐसे कैसे बोलेंगे, घर के बगल में एक शॉप है, उसमें देयर बिसाइड द हाउस, देयर इज अ शॉप बिसाइड योर किचन, देयर इज अ शॉप बिसाइड माय हाउस। बिल्कुल, तो एक इसमें बस एक और देख लीजिए, बिसाइड तो बोल ही सकते हो बगल में, जैसे एक उन्होंने बोला था नेक्स्ट टू कहा था ना, नेक्स्ट टू भी मेरे बगल में, हां तो नेक्स्ट टू ठीक बाजू में कह सकते हैं, जैसे कि ये आपका घर है, देयर इज अ शॉप बिसाइड नेक्स्ट टू माय हाउस, ये आपका घर है और ठीक यहाँ पर कुछ और भी होगा, यू नो, तो ये नेक्स्ट है, मतलब आपके बल अलावा ये नेक्स्ट ही हुआ ना, ये नेक्स्ट हुआ। कैसे यहाँ चार लोग खड़े, हम कहते हैं हाँ तुम्हारा हो गया, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट अगर कोई सर, अगर कोई एड्रेस भी पूछता है तो हम बोलते हैं नेक्स्ट टू एटीएम, नेक्स्ट टू बैंक। हाँ, तो नेक्स्ट का मतलब है कि ठीक इसके अगले वाला, नेक्स्ट इसके बाजू वाला, बगल में, ऐसे करते। अच्छा, अगर कोई चीज एकदम सटा हुआ हो, एडजेसेंट टू, नाम सुना कभी? नहीं सर। अच्छा, पहली बार सुन रही हूँ सर। एडजेसेंट टू, ये आपका घर है और आप बोलो कि यार एकदम मेरे घर के सटे हुए एक पार्क है, एकदम एकदम बगले में है, जाओ कूद जाओ इसमें चले जाओ, तो एडजेसेंट टू माय हाउस, जैसे मैं लिखता हूँ एडजेसेंट टू माय हाउस, कोई गूगल सर्च करेगा प्लीज अभी के अभी एडजेसेंट वर्ड को, इसकी हिंदी देखिए तो कोई ऑप्शन है, एडजेसेंट देखिए तो जाएगा कि घर के बगल में, घर के बगल में एकदम सटा हुआ, बगल में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, एकदम घर के तुरंत बाजू में, बगल में। यस सर, यही है लिखा आ रहा है जी सर, तो बगल में स्थित। तो आप एडजेसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आराम से पहले सर्च वर्च कीजिएगा, बेहतरीन। चुकर चुकर लिखा हुआ, एडजेसेंट टू का मतलब के बगल में ही आ रहा था, नजदीक में स्थित। हां जी, नजदीक, ठीक है। और सिर्फ एडजेसेंट बिल्कुल मतलब नजदीक शॉप एडजेसेंट टू माय हाउस, ऐसा हो सकता है? हां बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए जाते जाते इसका एक रिवीजन करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कैसे होगा? I am your friend. जब तक ये रिकॉर्ड हो रहा है तो एक आध कैमरा ऑन कीजिए, अच्छा लगता है देखने में। आइए, नहीं तो आइए। यस, हाँ जी सर, पूछिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ अब। I am with you. I am with you. मैं with you. मैं अकेली हूँ। I am alone. I am alone. उनमें से एक मेरा दोस्त है। और उन लड़कों में से एक मेरा दोस्त है। दोस्त में वो दिखाना पड़ता है कि बॉय इज गर्ल्स ऐसे करके? हाँ, दिखाना पड़ेगा। और अगर नहीं दिखाना तो देम, कोई प्रैक्टिस का अगर भेज देते सब तो सही रहता है, इस मतलब जो वन ऑफ दो ये सब पढ़ाया ना सर, इससे एक प्रैक्टिस सेट भेज दीजिएगा। तो मैं आज कुछ नोट्स बनाता हूं इसमें, कुछ सेंटेंसेस बना के। ओके सर, क्योंकि सर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, अगर इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा ना सर तो सही रहेगा। ठीक है, सही रहेगा। तो मेरी एक सहेली मुंबई में है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज वन ऑफ माय फ्रेंड इज ठीक है, फाइन। मान लो आपके पास कई मोबाइल से, मैं बोलूं यार तुम्हारा एक मोबाइल बड़ा प्यारा है, बड़ा अट्रैक्टिव है। वन ऑफ योर मोबाइल्स इज वेरी अट्रैक्टिव। तो वन ऑफ योर मोबाइल्स है, वन ऑफ योर मोबाइल्स इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। हम में से एक इंटेलिजेंट है, हम में से एक
तुम में से एक शादीशुदा है, तुम में से एक one of you is married. तुम में से दो शादीशुदा है, इन एप्पल्स में से, इन एप्पल्स में से दो रॉटन है, दो रॉटन है, ओके फाइन. अब बताइए फटाफट, कमरे में, सिर्फ इसकी इंग्लिश बताइए, कमरे में, इन द रूम, छत पर, तुम्हारे साथ, विद यू, विद यू, मेरे साथ, विद मी, विद मी, मेरे दोस्तों में से एक के साथ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, नहीं ऐसे होगा, विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सर, विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यस. अच्छा, मेरे भाइयों में से एक के साथ, one of my brothers, one of my brothers. हाँ, पहले with लगाना होगा, with one of my brothers. friends. तुम्हारे घर के बगल में, beside your house, next to your house, beside your house, adjacent to your house, adjacent to तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. हाँ, adjacent अभी मतलब है नहीं चलते. फाइन गाइज, तो अब तो मुझे निकलना होगा, इट्स 1.5 hours. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, ओके गाइज, टेक केयर, बाय.